हेलो एवरीवन, मैं हूं योर शुभ चिंतक और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको मिले नोटिफिकेशंस हर नए एपिसोड की। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो लॉकडाउन के चलते हो रहे हैं, और अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। गेटिंग बैक, इस एपिसोड में हम देखेंगे लॉकडाउन के चलते नेगेटिव इफेक्ट्स जो हो रहे हैं। इफेक्ट नंबर वन, इंक्रीजिंग हंगर। अभी तक करीब 5,000 लोग लॉकडाउन के चलते भूख से मर चुके हैं और कई लोगों को अभी भी पूरा खान पान नहीं मिल पा रहा है, और यही एक वजह है कि बांद्रा एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मजदूर जो कई दिनों से भूखे हैं अब प्रोटेस्ट शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ऑन पेपर तो सरकार की तरफ से उन्हें खाना दिया जा रहा है लेकिन हकीकत में उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिल पा रहा। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भूख से पशु पक्षी भी तड़प रहे हैं। इंडिया में हैवी समर भी शुरू हो चुका है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना बचे तो उसे लोकल एनिमल्स को फीड कर दीजिए, या तो कम से कम एक प्लास्टिक कंटेनर में पानी भरकर अपने टेरेस या घर के बाहर रख दीजिए ताकि बर्ड्स और एनिमल्स प्यास से ना मरे। इफेक्ट नंबर टू, होम सिकनेस। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के चलते पूरे वर्ल्ड में लोग घर पर रहने पर मजबूर हैं, और काफी दिनों से घर पर रहने से लोगों में होम सिकनेस भी बढ़ती जा रही है। इंडिया में होम सिकनेस हाई लेवल्स में बढ़ रहा है। इसका कारण है दिन बढ़ता टेम्परेचर, जिसके चलते लोगों को फ्रेश एयर ना मिलने से वो फ्रीक्वेंट एसिडिटी और वॉमिटिंग के शिकार होते जा रहे हैं। इफेक्ट नंबर थ्री, इकोनॉमिक क्राइसिस। आज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी दुनिया सफर कर रही है। इसका कारण ये है कि हाई स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन रुका हुआ है, इसी के चलते पूरे सप्लाई एंड डिमांड चेन में डिस्टर्बेंसेस आने लगे हैं। आगे देखें तो टूरिज्म सेक्टर भी पूरी तरीके से बंद है, और इसी के चलते एयरलाइंस को भी काफ़ी ह्यूज लॉसेस से सफ़र करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस सेक्टर कोविड-19 के चलते फिलहाल होल्ड पर है, और अब हर कंट्री की GDP लगातार गिरती जा रही है। इफेक्ट नंबर फोर, साइकोलॉजिकल इश्यूज। कई डॉक्टर्स का मानना है कि इंसानों के लगातार लॉकडाउन में रहने से उनमें लगातार एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में हर दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और कई साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर कोई इंसान मेंटली वीक हुआ तो 90% चांसेस है कि वो एमनेशिया और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों का शिकार हो सकता है अगर वो लगातार सिंगल एनवायरमेंट में रहे तो। फ्रेंड्स, हमें इस सिचुएशन में अपने आप को संभालना होगा, और अगर हमारी फैमिली मेंबर मेंटली अनस्टेबल होता है तो हमें उन्हें भी सिचुएशन के हिसाब से शांति से डील करना होगा। इफेक्ट नंबर फाइव, हेल्थ इश्यूज। अब लोगों के पूरे दिन घर पर रहने की वजह से उनमें मोटिवेशन लेवल्स लगातार गिरते जा रहे हैं। कई लोग बोर्डम से सफर कर रहे हैं और अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को सस्टेन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनमें ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। इस प्रॉब्लम से डील करना है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप अपने आप को किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज रखें ताकि आप एक्टिव रह सकें। कार्डियो वर्कआउट और योगा को कंसीडर कीजिए, जिसे आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। मैं हूँ योर शुभ चिंतक, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।